महिला के साथ यूको बैंक कियोस्क संचालक ने किया धोखा। 6,000 की अधिक राशि का किया विड्रॉल और 2,000 का किया भुगतान। कियोस्क संचालक पप्पू के द्वारा उससे 6,000 अतिरिक्त उसके खाते से 3 बार ट्रांजैक्शन के साथ गोल कर लिए गए और महज उसे 2,000 हाथ में सौंपते हुए वहां से चलता कर दिया गया। लेकिन जब उक्त महिला ने 15 दिवस बाद अपनी शिकायत बैंक यूको में की तो बैंक प्रबंधक ने भी बात सुनने से मना कर दिया। साथ ही कियोस्क संचालक को बुलाकर सिर्फ यह कहकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर लेगी कि क्या यह पैसा वापस देना, जबकि प्रबंधक को क्यों संचालक की आईडी को बंद करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए थी, क्योंकि यह ग्राहक के साथ धोखा ही है। बैंकिंग प्रबंधन के साथ भी यह धोखा है। न जाने ऐसा कितने ग्राहकों के साथ हो चुका हो और कितनों के साथ इस तरह का धोखा संचालक द्वारा किया जा रहा है। पूना भाई कहाँ रहती हूँ? भटरा। तो क्या है मामला, क्या है जी? मेरे 6,000 रुपया गोल हो गया। अच्छा, कैसे? वो पप्पू की बैंक से मैंने 2,000 निकाले पैसे और इन्होंने तो एक मिनट पे मेरे पैसे निकाल दिए। कितनी बार? 3 बार निकाल दिए। और तुमको सिर्फ 2,000 मिले? 2,000 मिले सर। कब की बात है? अभी महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन हो गए। फिर क्या स्टेटमेंट निकलवाया आपने? जी। जब जाके आपको जानकारी लगी? जी। आप क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं मेरे से गलती हो गई, निकाल ले, मैं पैसे दे रहा हूँ। कौन सी बैंक से निकाली? कौन से निकाली बैंक से? अच्छा अच्छा, तो अभी आपने शिकायत नहीं की क्या? अभी इधर से वो निकलवाई है। नहीं, स्टेटमेंट निकलवा लिया आपने? पुलिस चौकी में शिकायत की क्या? नहीं की। ठीक।